जैसे जैसे लोगों का झुकाव आयुर्वेद और नेचुरल चीजों की तरफ हो रहा है, वैसे वैसे शहद की डिमांड बढ़ रही है। इसके साथ ही खेती के विकास के लिए फसल, सब्जियां और फलों के भरपूर उत्पादन के अलावा दूसरे व्यवसायों से अच्छी आय भी जरूरी है। इस लिहाज से भी शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस रोजगार की एक और खूबी ये है कि कम खर्च में ही समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित हो सकता है। ये है जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर के सुरमादेव इलाके के रहने वाले सुनील शर्मा, जो एक सफल युवा मधुमक्खी पालक हैं, जिनके पास आज के वक्त में लगभग 150 मधु बॉक्सों का एक बड़ा यूनिट है, जो इनकी सूझबूझ और मेहनत का परिणाम है। सुशील को 4 साल पहले अच्छी पढ़ाई करने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिला, तो उन्होंने अपने जिले के मधुमक्खी पालन विभाग से संपर्क कर उनसे राय और ट्रेनिंग लेकर मधुमक्खी पालन की शुरुआत 30 मधु बॉक्सों से की, जो आज बड़े व्यवसाय में तब्दील हो चुका है। सुदमा देव का मैं रहने वाला हूँ। तो ये जम्मू कश्मीर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये पहले मैंने इनसे ट्रेनिंग वगैरह ली, तो ट्रेनिंग के बाद मैंने फिर इनसे पेटियाँ वगैरह ली, 30 पेटियाँ ली थी मैंने, अब मेरे पास 150 पेटी है और लाखों रुपया इसमें से कमा रहा हूँ। आज सुनील शर्मा को 150 मधु बॉक्सों के यूनिट से सालाना 2 लाख रुपए का मुनाफा हो रहा है। सुनील शर्मा कहते हैं कि बेरोजगार युवा मधुमक्खी पालन करके अच्छी इनकम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ना जमीन की जरूरत होती है और ना ही पानी की, बस इसमें थोड़ी सी मेहनत के जरिए अच्छी कमाई की जा सकती है। इसमें प्रॉफिट कम से कम 100 बेटी में से 1.5 लाख रुपए बचत है साल की। तो जो अनएम्प्लॉयड है, जो मैं जेएनके के युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपना ये अपना बिजनेस करें, और इसका हनी की प्रोडक्शन अब कई जगह बार कम होती है, कई बार ज़्यादा होती है, मगर लाखों रुपया बंदा कमा लेता है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अनएम्प्लॉयड को तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो बेरोजगार हैं वो अपना अपने स्टेट गवर्नमेंट से मिले और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मिले अपने, उनसे वो फुल हेल्प करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ट्रेनिंग वगैरह देंगे पहले, उसके बाद वो पेटीएम वगैरह अपनी ले सकते हैं, जहां मर्जी मतलब रखें। सुनील शर्मा बताते हैं कि मधु बॉक्सों को कहीं भी आसानी से रखकर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, बस इसके लिए जरूरी है कि उस इलाके में फूल और परागण भरपूर मात्रा में हो। इसके लिए कई बार सुनील को मधु बॉक्सों को माइग्रेट करके कश्मीर से पंजाब और हिमाचल भी ले जाना पड़ता है। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, जमीन खाली जमीन जहाँ भी मिले, कोई इसका किराया नहीं देना पड़ता है, तो जहाँ मर्जी रखे इसको, कोई बस फ्लावरिंग चाहिए और वहाँ जहाँ भी जाओगे आप, तो कोई माइग्रेशन वगैरह भी होती है, पंजाब में भी जाते हैं, जब इधर जेएनके में 3-4 बार माइग्रेशन होती है। मैं इस काम में से बहुत खुश हूँ, क्योंकि किसी का अपना काम है, कोई जब मर्जी करो, जब मर्जी जहाँ मर्जी ले जाओ, तो क्योंकि ये ना कोई किसी का कोई इसमें लेना देना है, ना कोई डिपार्टमेंट पूरी हेल्प करता है, बाकी जहाँ मर्जी जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। स्वीट रेवोल्यूशन यानी मीठी क्रांति, इस पर खासा जोर दिया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को देश की सरकार मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे कि इस कम लागत और ज्यादा लाभ वाले व्यवसाय से जुड़कर मधुमक्खी पालक अधिक से अधिक लाभ ले पाए। खासकर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, वो हमारे पास कंटेक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इवन के जो फार्मर्स हैं, जो ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं, उनको विदाउट लैंड, विदाउट एनीथिंग, उसके लिए ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा ये इनकम जनरेटिंग यूनिट है। दरअसल देश में मधुमक्खी पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। मधुमक्खी पालन और संबंधित उपकरणों की खरीद की सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही इस सेंटर पर स्थापित मॉन पेटिका निर्माण यूनिट में हाई क्वालिटी की केल और पाइन लकड़ी से मधुमक्खी के बक्से तैयार किए जा रहे हैं, जो किसानों को सब्सिडी पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए
बड़ी अच्छी स्कीम है यूथ के लिए जो पढ़ा लिखा यूथ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है, तो उसकी वजह से कि जो नया यूथ है पढ़ा लिखा है वो इस स्कीम में आए और वो काम करे, अच्छा प्रॉफिट है इसमें, और गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, ट्रेनिंग देती है, उसके बाद सब्सिडी देती है, और कोई 10, 20, 30 जितनी भी पेटियाँ लेना चाहे डिपार्टमेंट से वो ले सकते हैं और अपना रोजगार जो अच्छा चला सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को अपनाना चाहते हैं तो इसकी ट्रेनिंग किसी उपयुक्त संस्थान या अनुभवी मधुमक्खी पालक से जरूर लें। जब आप इसकी बारीकियों को जानेंगे तो जाहिर है सफल होंगे। और अगर इस तरह आप मधुमक्खी पालन की शुरुआत कर मधु बॉक्सों और मधुमक्खियों की बेहतर देखभाल करें तो तय है कि आपको अच्छा लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।